देखिए, किसानों का जो वाजिब हक है वो मिलेगा। सरकार बदलने से किसी का हक समाप्त नहीं होता है, और निश्चित रूप से किसानों का जो हक है, हक की राशि हमारी सरकार निश्चित रूप से देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, किसानों का लंबा इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर के। तो जी हाँ, इस योजना की बाकी पिछली 3 किस्त है वो किसानों को मिल गया था, और आचार संहिता होने के कारण चौथी किस्त किसानों को नहीं मिल पाई थी, और किसानों को इस किस्त का इंतजार था। साथ ही इसको लेकर के चिंता भी था कि नई सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई है तो क्या वह पुरानी सरकार की जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त है उनके खातों में जारी करेगी या नहीं जारी करेगी, इसको लेकर के किसानों में असमंजस की स्थिति थी। तो जी हाँ, आप सबको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने इसको लेकर के स्पष्टता है वो जाहिर कर दी है, और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का जो चौथी किस्त छूट गई थी, जो किन्हीं कारणवश उन्हें नहीं मिल पाया था, तो उसको लेकर के किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसानों का जो वाजिब हक है वो उन्हें अवश्य मिलेगा। तो जी हाँ, ये बयान देकर के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों के खातों में राज्य सरकार जारी करेगी। तो चलिए, अरुण साव जी ने क्या कहा विस्तार से जानकारी के लिए उन्हीं की वाणी में सुनते हैं। राजीव गांधी न्याय योजना का चौथा किस्त अभी बाकी है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो ये सरकार उस योजना की चौथा किस्त की राशि दे। देखिए, किसानों का जो वाजिब हक है वो मिलेगा। सरकार बदलने से किसी का हक समाप्त नहीं होता है, और निश्चित रूप से किसानों का जो हक है, हक की राशि हमारी सरकार निश्चित रूप से देगी। दोस्तों, जैसे कि आप सबने उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को सुना, उन्होंने अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसानों का जो वाजिब हक है उन्हें उसे अवश्य मिलेगा। तो जी हाँ, चौथी किस्त को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान है वो उप मुख्यमंत्री जी ने दी है, और यह किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और किसान बहुत समय से इसका इंतजार कर रहे थे और असमंजस की स्थिति में थे कि चौथी किस्त उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री ने स्पष्टता जाहिर कर दी है कि चौथी किस्त किसानों को अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसको लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करके पूछिएगा। साथ ही अपने अन्य मित्रों तक खबरें हैं वो भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम किसानों से जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।